प्रणाम। बहुत दिनों से बहुत सारी बातें मेरे मन में चल रही थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहती थी, करना चाहती थी। कई सारे कमेंट्स, कई सारे मैसेजेस द्वारा भी बहुत सारे सवालात मुझसे किए गए, जिसका जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म हर जगह है भी और नहीं भी। वो ऐसे कि अपना अपना नजरिया होता है, जिसके माता पिता जिस भी क्षेत्र में होते हैं, हमारे, आपके व अन्य लोगों के, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसी क्षेत्र में कदम रखे और उसी क्षेत्र में अपना नाम और मुकाम बनाए। वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि कुछ गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से भी प्रतिभाशाली आए लोग अपनी पहचान, अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ गए, जिनमें से हमारे बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा जी, पंकज त्रिपाठी जी, सुशांत राजपूत जी, संजय मिश्रा जी, मनोज बाजपेयी जी व अन्य कलाकार। मेरे ख्याल से हर जगह टैलेंट को तवज्जो मिलना चाहिए, टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे बढ़ने देना चाहिए। और जिस भी, जितने भी स्टार किड्स हैं, जिस तरीके का मौका या जिस तरीके का प्लेटफॉर्म उन लोगों को दिया जाता है, बहुत ही इजीली, मेरे ख्याल से हम सभी कलाकारों को, जितने भी एक्टर्स जाते हैं, जो एक्टर बनने की ख्वाहिश लेके जाते हैं इंडस्ट्री में, जो टैलेंटेड हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों को भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए और उसी प्रक्रिया से स्टार किड्स को भी गुजरना चाहिए जो एक आम कलाकार जिस जगह से गुजरता है। हमारे लिए ऑडिशंस बने हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीजें बनी है कि इधर मीटिंग करो, उधर मीटिंग करो, इनसे हो गई मीटिंग तो उसके और ऊपर जाके, ऊपर लेवल के लोगों के पास जाके मीटिंग करो। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नाम की चीज तो बाद की बात है। मैं कहूंगी हमारे इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म बहुत हद तक है, बहुत हद तक। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री में तो ग्रुपिज्म ही करता है, जिसके शिकार हम सब होते हैं। हर एक वह नया कलाकार से लेके छोटे कैरेक्टर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, हर कोई उसका शिकार होता है। और मैं बता दूं कि कई इंटरव्यूज में या कई दिनों से ये भी सुनने में आ रहा था कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, अब जाके जब उन्होंने एक मुकाम बना लिया और वो भी ग्रुपिज्म के सहारे, नई एक्ट्रेसेस को आगे बढ़ने नहीं दिया, वैसे लोग भी आवाज उठा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रुपिज्म का सबसे ज्यादा अगर शिकार बनी है तो वो इंडस्ट्री में, वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मुझे हर तरीके से डोमिनेट भी किया गया है। जब मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा, जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी, तब मैं किसी एक हीरो के साथ काम कर रही होती थी, तो सामने वाले जितने हीरो थे वो मेरे साथ काम नहीं करते थे। वो इसलिए काम नहीं करते थे कि अरे यार, ये तो उसके साथ काम कर रही है, इसके साथ काम नहीं मिलेगा इसको, नहीं, इसको मत लेना। जब मैं सामने वाले के पास काम कर रही थी तो इधर वाले कहते नहीं, उधर इधर नहीं करना। तो ऐसे में क्या होता था, मैं जूझती थी, चुपचाप झेलती थी, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आती थी चीजें कि ये हो क्या रहा है। ऐसे ही कई सारे टेक्नीशियंस
कई सारे डायरेक्टर्स, कई सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट जिनकी रोजी रोटी ही इंडस्ट्री में काम करने से ही चलती है, उनके घर में दो रोटी वो खा पाते हैं चैन और सुकून से, जस्ट बिकॉज ऑफ आर इंडस्ट्री जो हम काम करते हैं। हम आपके जैसे बहुत पैसे वाले नहीं हैं, हीरो बन के हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा के रखे हैं हथिया के। वो जब किस्सा खत्म हुआ, उसके बाद की चीजें जो हुई वो आप लोगों से छुपी नहीं है, वो जग जाहिर है चीजें। बहुत ओपनली आके मैंने स्टैंड लिया था अपने लिए। क्यों? क्योंकि एक गुट होकर मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। वो ये कि सबसे पहले भाई चलो राम सलाम हो गया, कोई लेना देना नहीं, काम कर रहे हैं, फिल्मों से निकाला जाने लगा, बहुत सारी फिल्मों से निकाला गया, दूसरे के साथ जो फिल्में साइन की हुई थी वो सारी फिल्मों से भी निकाला गया, अरे भाई उसके साथ काम नहीं करना। उस समय जितने हीरोइंस और जितने हीरोज थे वो सब एक तरफ हो गए थे ग्रुप बना के। क्यों? क्योंकि कहते ना चाटुकारिता, यहाँ पे एक कोई भगवान बन गया था और उसके इर्द गिर्द सब लगे हुए थे कि अरे भाई ये जो बोल रहे हैं वही सत्य है और ये तो अच्छे हैं, ये तो सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम करना था उनके साथ। और वैसे में मुझे याद है बहुत सारी हीरोइंस ऐसी भी थी, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मेरी मदद करना चाहते भी थे फिर भी वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे, वो कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। क्यों? मैं इस चीज पे मैंने बहुत मंथन किया, आत्ममंथन, तो मुझे ये पता लगा कि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी वहीं से चलानी थी, इस वजह से मजबूरीवश उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो भी मैं इस चीज का मैं रियलाइज करती हूं और मुझे इस बात की कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं लगी। उसके बाद की बात बताऊं मैं तो गाने गाने लगी। बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए भी पैसे लगते हैं, सांस लेने के लिए भी पैसे लगते हैं। वैसे समय में एक भी फिल्में नहीं थी मेरे पास, मैं गाने गाने लगी। जितने भी चैनल्स थे हर जगह गाने जाते थे मेरे, अच्छे अमाउंट में पैसे आते थे, रातों रात गाने हिट हो रहे थे, तो भाई कोई तो रास्ता चाहिए था गाना रोकने का। बहुत सारे, तभी मैं तकलीफ में थी, मैंने किसी तरीके से जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने गाने बनाए कि गाने बेच के जो पैसे आएंगे उससे मेरा भरण पोषण होगा। जब गाने बना के कंपनीज में दिलाने लगे, एट अ टाइम यही सावन के गाने मैंने बनाए, और उस समय वीडियोस वगैरह करके मैंने कॉल किया और एक दिन पहले बोला गया कि भाई फटाफट गाना भेजिए, रिलीज करना है। जब मैंने गाना बना के दिया, मेल किया और मैंने कॉल किया, तो जस्ट एक दिन पहले, रिलीज के एक दिन पहले रात की बात है, मुझे पहले तो कॉल नहीं रिसीव हुआ, एटलीस्ट 10 से 12 कॉल किया गया, कॉल नहीं रिसीव हुआ। 13वें कॉल पे रिसीव करके मुझे क्या कहा गया कंपनी मालिक द्वारा कि मैं सॉरी, मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, प्लीज किसी को मत बताइएगा, मैं बहुत बुरी तरह प्रेशर में हूँ। वो ये कि किसी ने मुझे दबाव डाला है, किसी ने मेरे ऊपर दबाव बनाया है कि भाई अक्षरा सिंह का गाना रिलीज नहीं होने देना।